सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग अच्छे हो, और नहीं होगे तो आपको पता है यार, अगले 10 मिनट में अच्छे हो जाओगे। सो मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है मेरी, नाश्ता करके खाना वाना खा के, और अभी मैं जा रहा हूँ। तो भाइयों, जिसको कहा गया है कि दोस्ती के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, वो मेरे साथ हुआ। सुमित भाई को याद हो, आप लोगों को मैंने दिया, हमने दिया था नाइकी का जूता। क्या पूछते समय जाते समय भी पूछने लगे क्या आप लोग? कौन? मेरी गाड़ी के लिए? अच्छा, तो हाँ, हट जाओ भैया। तो उनको दिया था हमने नाइकी का जूता। अब वो नाइकी के जूते में हुआ क्या कि साइज रविया बोला UK 9, हमने ले लिया UK 9। अब आता है सुमित भाई को UK 11। अच्छा, अब गिफ्ट तो दे दिया, गिफ्ट दिया, पता चला साइज, जबरदस्ती पहनाया, तो एज यूजुअल छोटा था। तो सुमित भाई ने बहुत चालाकी से, और सुमित भाई ये ब्लॉग देखेंगे तो जरूर फोन करेंगे, उन्होंने कहा सुन तुम ही लोग लेके आना UK 11, रिप्लेस करा लियो। साला तबीयत खराब है यार भाइयों, सीजन ऐसा चल रहा है, बच के रहो सब लोग, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ा थोड़ा फीवर आ रखा है, खांसी तो लोग बोलते ही आ गए, आई एम सॉरी, तो खांसी लगी हुई है, जुखाम लगा हुआ है, फीवर है। आज शायद मैं ऑफिस भी ना जाऊं यार, क्या जाके करूंगा। और सोच रहा हूं मैं बड़े भैया के यहाँ चला जाऊं यार, कम से कम कोई तो रहे ध्यान रखने वाला। तो जाऊंगा भैया के यहाँ, वहां से सोचा वर्क फ्रॉम होम लेके। यार झूठे ही कोई मतलब नहीं है, अगर देखो तबीयत खराब है और ऑफिस में और भी लोग आते हैं, फिर आप उनकी भी तबीयत खराब कराओ, समझ रहे हो? तो इट डजंट लुक गुड। तो ये सीन है, अब मैं नाइकी जा रहा हूँ, और यार अभी मैं चला रहा हूँ इको स्पोर्ट एज यूजुअल। गाड़ी तो चलाने में यार एक नंबर है, बट इसकी एक दो चीजें मुझे सर्विस सेंटर दिखानी है, वारंटी में क्लेम करनी है, जैसे ये इसकी लाइट, ये वारंटी में जाएगी, और एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, तो सर्विस सेंटर में लेके जाऊंगा बहुत जल्द इसको दूंगा। और यार गाड़ी में मक्खी आ गई है दोस्तों, पहले मक्खी उड़ाते हैं। एकदम नाइकी के स्टोर पे आज पार्किंग मिली है, माँ कसम इससे अच्छा और क्या होगा जीवन में। आते हैं और कराते हैं वापस। हाँ, ये UK 9 लेके गया था, UK 11 से। हाँ जी, तो यार ये लेके आ रहे हैं भैया UK 11, उसका मिल गया है, आई होप अभी ये फिट आ जाए। भैया ले लिया है शूज, अब चल रहे हैं सुमित भाई के घर, देंगे उनको शूज, और फिर यार आराम करेंगे, डॉक्टर के पास जाना है, तबीयत खराब सी है। तो भाइयों अपने साथ हो गया फिर से एक नया सीन। सीन ये हुआ है कि अभी मैंने पेट्रोल पंप पे डलाया पेट्रोल, और फिर मैंने वॉलेट किया पे, अब मुझे मेरा वॉलेट ही नहीं मिल रहा है। नाइस, सब जगह ढूंढ डाला मैंने। यार मुझे जो याद है, मैं हमेशा अपना वॉलेट इसमें रखता हूँ, इसमें भी नहीं है, सीट के नीचे भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, कहते थे तो मुझे जेब में ही रखना चाहिए यार। ले वे यार, हे भगवान, मिल गया, शुगर है वापस मेड भाभी। और आज मैंने बहुत सालों बाद, मतलब 3-4 सालों बाद मैंने खारी मंगाई होगी, और यार मेरे को रस्क वस्क समझ में नहीं आता भाई, ये है देसी चीज़ खारी,
गांव में 2 रुपए की एक, शहर में 90 रुपए का पूरा पैकेट। खैर अच्छी थी। देख रहा हूँ मूवी, कर रहा हूँ काम, बना रहा हूँ व्लॉग। देखो मल्टीटास्किंग इसे कहते हैं दोस्तों। जीवन में 1, 2, 3 और एक चाय भी तो पी रहा हूँ, 4-4 काम एक साथ। तो हम निकल चुके हैं भैया के यहाँ जाने के लिए, सारा सामान ले लिया, ये गाय को डाल दूंगा, ये नाश्ते के लिए ले लिए खारी, दवा पैक कर लिए, कपड़ा रख लिया है, अब चलेंगे। रात के बज रहे 12:30, तो अब चलेंगे गेट। भाइयों निकल चुका हूँ मैं सेक्टर 23 से और अब पहुँचेंगे हम लोग ग्रेटर नोएडा की तरफ। टाइम तो यार अच्छा खासा ही दिखा रहा है, कुछ कम नहीं दिखा रहा है। अब रात में पता चलेगा कि क्या सिस्टम है। और आज के दिन कुछ ज़्यादा शूट करने को था नहीं यार, तबीयत क्योंकि ख़राब चल रही है, थोड़ा फीवर चल रहा है। ठानी है तो ठानी है, यूट्यूब जर्नी रेगुलर दिखानी। और ये क्या हुआ, इतना बड़ा जाम, वो भी यहाँ पे। कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ। सफाई वाला ट्रक सफाई कर रहा है और पीछे गाड़ी वाला रुक चुका है। बहुत कर्मठ एम्प्लॉयज दिख रहे थे मुझे गुड़गांव नगर निगम के, अभी जो सब कुछ छोड़ छाड़ के लगे हुए थे चीजों को सही करने में। तो जोमेटो राइडर से भी बहुत डर लगता भाई, पता नहीं जोमेटो बोलता है कि इन्हें फाइन नहीं करते हैं ऑन टाइम डिलीवरी का, और ये तो चलते वैसे ही हैं कि जैसे इन पे लाखों रुपए का फाइन लग जाएगा। गजब स्पीड में चलते हैं भाई। तो वारंटी में इस लाइट, कैबिन लाइट के साथ है, इसका हॉर्न भी है जो कि सिर्फ अब 1 बज रहा है और दोनों बजने चाहिए। और ये इशू एक बार पहले भी आया था तो उसने वारंटी में ही चेंज किया था, तो इस बार फिर मैं वारंटी में ही चेंज कराऊँगा इसको। और लेफ्ट साइड में हमारे बंटी जी की ऑफिस है, DLF साइबर कुछ तो बोलते हैं इसको, साइबर पार्क आई गेस। हाँ राइट, लेफ्ट साइड में है DLF साइबर पार्क, बंटी की बिल्डिंग है यार, इसमें EY में है बंटी। ओ भाई साहब, अगर मैं आपको राइट में दिखाऊं, ये देखो ऊपर यार कितना ट्रैफिक है भाई। ये तो ना इंसाफी है मेरे साथ। अबे यार, इतना घना ट्रैफिक, कोशिश करते हैं यार घुसाने की, पता नहीं क्या दिक्कत है। भाई साहब गजब ट्रैफिक लगा रखा ट्रक वाले ने। ओह साइन ऑफ रिलीफ। भाई हम ओखला की तरफ कहीं पहुंच चुके हैं, तो तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में पधारने के लिए आपका स्वागत है। और विधायक जी ने हरी झंडी हमें दे दी है, तो हम लोग जाएंगे आगे। थैंक यू सही राम पहलवान जी, तुगलकाबाद के हमारे माननीय विधायक। क्या यूपी के विधायकों जैसा तो कोई नहीं हो सकता, हमारे विधायक लोग चाचा लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारा स्वागत है, वेलकम टू नोएडा। और यार जो यूपी में आके खुशी होती है ना, वो कहीं नहीं होती। और तो भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटिस्टिक्स, अभी तक अभी भी
1.6 किलोमीटर रह गया है हाउएवर, तो आप देख सकते हो कि ये स्टेटिस्टिक्स है मेरा गुड़गांव से निकलने और ग्रेटर नोएडा तक के आने का। 19.6 की माइलेज, 57.7 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर, 37 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। तो यार गाड़ी तो ये भी माइलेज देती है बहुत अच्छा, ओके डीजल गाड़ी है देगी भी। जैसा आप देख सकते हो मैं आ चुका दया ग्रेटर नोएडा और ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सब ओढ़ ओढ़ के बैठा हूँ मैं। तो यार तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब है। और अच्छा था यार रास्ते में जाम बहुत मिला, आ गया था मैं, फिर भी यार हमें कोई रोक पाया है। और आप जैसा कि देख सकते हो कि लैपटॉप लेके बस बैठे हैं, हम एडिटिंग करेंगे, रात के बज रहे हैं 2 और फिर सोना है। आजकल यही रूटीन हो गया है, 4-5 बजे तक सोना है, फिर सुबह उठना है, व्लॉग शूट करना है, ऑफिस जाना है। सो यार हसल देख रहे हो, बट यही उम्र है हसल करने की, और आप सब भी हसल करो, कभी काम करने से डरो मत, अपने डर को फेस करो और आगे बढ़ो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करो। जय श्री राम।